दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है भारत का अर्थतंत्र, और इस अर्थतंत्र की नींव देश के पशुपालकों के कंधे पर भी है, जिनकी सुबह गाय और भैंस की आवाज से होती है। और यह पशु ही तो है अपने आत्मनिर्भर पशुपालकों के जीवन निर्वाह का आधार। पर आज इस आधार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज पूरे देश में तेजी से फैल रहा है वायरस से होने वाला गंभीर चेपी रोग, लंपी त्वचा रोग। मक्खी, मच्छर और अन्य जंतुओं के काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलते इस लंपी त्वचा रोग का संक्रमण दर ज्यादा होने से रोग को रोकना बेहद जरूरी है। इस रोग से पीड़ित पशु 2 से 3 हफ्ते में रोग मुक्त तो हो जाते हैं, पर कई हफ्तों तक उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम रहती है। इतना ही नहीं, रोगग्रस्त पशु पर बांझपन का या तो दूसरे कीटाणु का संक्रमण लगने से मौत का खतरा रहता है। इसलिए पशुपालक मित्रों, यह जरूरी है कि संक्रमण वाले रोग के लक्षण को पहचानने के लिए हम सजग रहे। पशु को 2 से 3 दिन बुखार आना, पूरे शरीर पर गोल सख्त 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठें होना, पशु की लसिका ग्रंथि और पैरों में सूजन आना, मुंह से लार टपकना, गर्भवती मादा पशु का कभी कभार गर्भपात हो जाना, इनमें से एक भी लक्षण नजर आए तो तुरंत रोग निवारण के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर उपचार करवाएं, या तो ई गोपाला एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इस रोग की पारंपरिक उपचार की माहिती प्राप्त करें। रोग को मिटाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है रोग का नियंत्रण भी। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए रोगयुक्त पशु को फौरन स्वस्थ पशु से अलग करें और खाना पीना अलग दें। रोगयुक्त पशु का दूध, लार, आंख नाक के स्त्राव द्वारा परोक्ष रूप से स्वस्थ पशु में संक्रमण फैला सकता है, इसलिए संक्रमित पशु को अलग रखें। योग्य जंतुनाशक दवाओं से मक्खी, मच्छर और अन्य जंतु के उत्पात को रोकें। पशु के आवास के आसपास पानी जमा न हो सके इसका ख्याल रखें। रोगग्रस्त विस्तार में से पशु का स्थानांतरण बंद करें। असरग्रस्त पशुओं के आवास और उपयोग में लिए गए बर्तन या तो साधनों को 2% फिनॉल या 2 से 3% ब्लीचिंग पाउडर के द्रावण द्वारा जंतु रहित करें। असरग्रस्त विस्तार में हो रहे पशु व्यापार या पशु मेले में निरोगी पशुओं को ले जाना टालें। इतना ही नहीं, भारत सरकार के आदेशानुसार निरोगी पशु को टीका दिलवाकर उसे रक्षा कवच दें। लंपी त्वचा रोग केवल पशुओं पर ही नहीं किंतु पशुपालकों के जीवन निर्वाह के आर्थिक आधार पर भी प्रहार करता है। तो पशुपालक मित्रों, चलिए साथ मिलकर लंपी त्वचा रोग से पशुओं की रक्षा करें।